अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू की कतलियाँ। ये मैंने आलू लिए हैं क्योंकि मेरी फैमिली को पसंद है, इसलिए मैंने ज़्यादा लिए हैं। आपको जितने चाहिए आप उतने ले सकते हैं। इसमें जो डलेगा, एक चम्मच ज़ीरा पाउडर, और मैंने 2 चम्मच लिए मिर्ची। आप अपने आलू की क्वान्टिटी और उसके हिसाब से लीजिए, जायके के हिसाब से। 2 चम्मच कुटी मिर्च और 1 चम्मच मैंने लिया है नमक, और ये मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच सूखी मेथी, और इसमें जाएगा हरी मिर्च और 1 टमाटर इस साइज का। अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसमें डालेंगे ऑयल। ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच ऑयल डाला है, ओलिव ऑयल यूज करती हूँ। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा। अच्छा जनाब, अब इसमें आलू डालेंगे थोड़े थोड़े करके। अब ये डालेंगे, अब हमने जो मिर्ची और नमक लिया था वो भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो ग्रीन चिली है वो काटी है हमने, वो भी इसमें डालेंगे। सूखी मेथी, कसूरी मेथी, ये इसकी जान है। ये आलू बनाएंगे आप, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा नहीं रहता, हम सिर्फ इतना ही पानी डालेंगे। गाइस, ये जो आलू की चटनियाँ हैं, आलू की सब्जी जो भी आप कहना चाहें, बहुत टेस्टी बनती है और छोटे बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। इसमें जो मिर्ची है, नमक है, वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, हल्का या तेज। अब हम इसको कवर करेंगे, इसको पकने देंगे और थोड़ी सी लो फ्लेम कर देंगे। चलिए जी, हम जरा चेक करते हैं आलू। ये देखिए माशाल्लाह से मेथी और लाल मिर्ची है। अभी ये कच्चे हैं, अभी पके नहीं है, लेकिन इसी के पानी में है ये बहुत टेस्टी बनते हैं और चटपटे बनते हैं। पाँच मिनट हो गए, हम चेक करते हैं कि आलू किस कंडीशन में पक रहे हैं अपने। ये देखें अभी गले नहीं हैं, कच्चे। इनको 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे, फिर चेक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन। ये डिश रेडी होने में आपका 1/2 घंटा लेगी और रेडी। इसको आप मॉर्निंग टाइम में भी पका सकते हैं, लंच के लिए बच्चों को देना हो तो इसके अंदर 1 अंडा डाल के बच्चों को दीजिए, बहुत हेल्थी है। और ये देखिए आलू गल चुके हैं। इनको
डिशॉल्व करेंगे प्लेट में। ये देखिए जो इसका मसाला, ये देखिए ये हमारी रेडी है आलू की कतलियां। आप खाइए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।